हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये पाइनएप्पल शेप में बनाया है मैंने, दो कलर में। बहुत सुंदर डिजाइन है और बनाने में भी आसान है। तो ये किस तरह से बनेगा, चलिए तोरण पट्टी से हम स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग तोरण पट्टी से करेंगे। तोरण पट्टी के लिए 12 चेन लेंगे। 12 चेन पर 10 डबल क्रोशे की तोरण पट्टी बनाएंगे। ये देखिए 12 चेन हो गई, इस पर 10 डबल क्रोशे बन जाएंगे। स्टार्टिंग के दो छोड़ देने हैं, थर्ड में डाल के स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए 10 डबल क्रोशिया बना लेने, तीन चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। एक तो ये हो गया, एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया, अभी एक चेन लेंगे और 2 लास्ट के डबल क्रोशिया रख लेंगे, लास्ट में बनाने हैं। जो इधर 2 हैं तो लास्ट में भी 2, और बचे हुए के हम हाफ कर लेंगे। 6 बच गए, 6 बच गए तो बीच में डाल लेंगे 6 डबल क्रोशिया इधर। ये देखिए, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहीं पर 2 डबल क्रोशिया और। फिर एक चेन और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बीच के 6 डबल क्रोशिया का हाफ करके बीच में मैंने डिजाइन डाला है, और साइडों के 2-2 डबल क्रोशिया सेम चलेंगे ऐसे ही कंटिन्यू। तीन चेन नेक्स्ट राउंड के लिए, एक चेन बीच में, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हर बार एक चेन बनेगी। ये देखिए, ये 4 बनाए हैं, एक चेन ली थी वहां पर डाल के नेक्स्ट राउंड बना लेने, वही 2 डबल क्रोशिया और एक चेन बीच में, 2, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी तोरण पट्टी बना लेंगे कंटिन्यू। बिल्कुल आसान सा डिजाइन है ये तोरण पट्टी का। लास्ट के 2 डबल क्रोशिया, मैं इसी तरह से ये पूरी लेंथ जितनी चाहिए उस हिसाब से बना के तैयार करूंगी। 3 चेन, फिर नेक्स्ट राउंड 2 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में, एक चेन बीच में, और बीच के 4 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, 2, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये इस तरह से डिजाइन आ जाएगा, और इसे हम कंटिन्यू बना लेंगे जितनी लेंथ आपको चाहिए तोरण पट्टी की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने तोरण पट्टी तैयार कर ली है। जब तोरण पट्टी तैयार हो जाए तो अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे मैरून कलर से। फिनिशिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको पसंद हो।
यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशे से करूंगी, दो सिंगल क्रोशे सेम जगह पे, बीच में एक चेन और एक बॉक्स हमें तोड़ पट्टे का छोड़ के फिर हम बनाएंगे। अगर खिंचा हुआ लगे तो आप दो चेन ले सकते हैं बीच में, इस तरह से तोड़ पट्टी बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे कंटिन्यू, इस साइड में दो लेंगे तो ये एक राउंड तोड़ पट्टी का छोड़ के फिर हम इसे बनाएंगे, एक चेन दो चेन, ये वाला छोड़ देना है नेक्स्ट में डाल लेना। तो इसके मैं चारों तरफ फिनिशिंग करूंगी सेम ऐसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने फिनिशिंग कर ली तोड़ पट्टी की। अब मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करूंगी यहां से, पहले व्हाइट से स्टार्ट करेंगे, बाद में मैरून कलर लगाना है। वन टू थ्री चेन और यहाँ पर हम छह डबल क्रोशे बनाएंगे। तीन तीन डबल क्रोशे बना के एक चेन लेनी है, फिर तीन डबल क्रोशे बनाने। ये देखिए अभी मैं 12 चेन लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन लेके 1 2 3 तीन छोड़ दूंगी, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं जिससे ज्यादा खिंची नहीं रहे और सही आ जाए उस हिसाब से इसे वहां पर बांध सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सही आ रही है एकदम। तो मैं ये तीन डिजाइन छोड़ दूंगी इसके मैरून कलर के। और यहाँ पर वापस से चार छह डबल क्रोशे बनाऊंगी, तीन एक चेन और वापस से तीन डबल क्रोशे, दो राउंड मुझे ऐसे बनाने हैं, तीन तीन डबल क्रोशे के और 12 चेन के। फिर तीन बॉक्स छोड़ने, काउंट करके छोड़ेंगे तो बराबर आएगा तो डिजाइन हमारा। थ्री एक चेन फिर तीन डबल क्रोशिए, 1 2 3 ये देखिए। तो इस तरह से ये मैं दो राउंड बनाऊंगी, एक राउंड और इसके ऊपर बना लूंगी सेम ऐसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो राउंड के बाद थर्ड राउंड बना रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने स्टार्टिंग में तो सेम बनाया एक चेन लेके, सेकंड में चेन नहीं ली, आठ डबल क्रोशिए बनाए, फिर चेन लेके बनाया, फिर आठ डबल क्रोशिए बनाए, इस तरह से एक छोड़ एक में आठ डबल क्रोशिए बना लेने हैं सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में। ये आठ डबल क्रोशिए सेम बिना चेन लिए बना लेने हैं, फिर चेन लेंगे 12, और लास्ट वाला और सेम बनेगा। तो एक छोड़ एक चेंज करना है थर्ड राउंड में। इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे।
इसको यहीं से हटा देंगे व्हाइट कलर को। तो कलर चेंज करेंगे, मैरून कलर लगाएंगे। तो जो हमने कंटिन्यू एक छोड़ एक बनाए, ये तो सेम बनेंगे, चेन वाले सेम बना लेंगे। और बीच वाला है, इसमें हम डबल क्रोशिया बढ़ा के बनाएंगे। जो 8 बनाए हैं उसमें हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 4 में 2 बार डाल के। तीन, एक चेन, ये तो सेम बनेगा, 12 चेन, जो ये नेक्स्ट वाला है इसमें हम 4 तो सिंगल बनाए हैं, तो 4 में एक ही जगह पे 2 डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, 2, इसमें हम 2 डाल लेंगे, फिर एक बना लेंगे, इसमें 2 डाल लेंगे, तो इस तरह से ये मैंने 12 डबल क्रोशे बनाए हैं दूसरे कलर के। पहले वाला सेम बनेगा, दूसरे वाला इस तरह से बनेगा। तो ये कंटिन्यू बना लेने हैं राउंड, हमें चेन उतनी ही लेनी है बीच में। ये 6 ही बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट राउंड में भी हम 2-3 डबल क्रोशिया बढ़ा के और सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये 2 राउंड मैरून का बना लेंगे सेम। तो ये देखिए दूसरे राउंड में मैंने और बढ़ा लिए हैं, ये 12 से मैंने 21 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें। पहले वाले में 12 थे, इसमें 21 बनाए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट डिजाइन। तो ये तो सेम ही बनेगा, बारह चेन लेके स्टार्टिंग वाले में 2 डाल लेंगे, एक जगह पर 2 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग वाले में। वन और ये 2, फिर एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, नेक्स्ट में 2 लेंगे।
फिर एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, इस तरह से राउंड बना लेंगे हम। अगर आपको लगे कि चेन से ज़्यादा लूज हो रहा है तो चेन बिना चेन के भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीन राउंड मैंने एक जैसे ले लिए हैं बराबर एकदम, 1, 2 और 3। और नेक्स्ट राउंड में मैंने कम करना शुरू किया है, यहाँ की बजाय यहाँ डालना है। तो इस तरह से ये एक राउंड मैंने इस तरह से बनाया है, इसमें डालने के बजाय इसमें लास्ट खत्म करना है। एक राउंड के बाद ये दूसरा राउंड बना रही हूँ कम करने में। देखिए ये मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से अब हम इसके भी दो पार्ट करेंगे यहाँ से। ये देखिए एक तो ये हो गया, नेक्स्ट एक और करूंगी मैं, एक चेन लेके, एक चेन और तीन डबल क्रोशे और थ्री। तो ये एक इस साइड में जाएगा, एक इस साइड में जाएगा। और ये जैसे यहाँ कम किया है, इसे छोड़ के यहाँ डालना है, इसी तरह से इसे छोड़ देंगे, यहाँ डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर डाल लूंगी, फिर चेन ले लूंगी, ये वाला सेम बनेगा, तीन वाला, तीन साइड, एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया। तो ये राउंड इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लूंगी मैं, ये देखिए। तो ये देखिए लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला ये हम सेम ही बनाएंगे जो पहले बनते आ रहे हैं, बाकी बीच के हमने बड़ा बड़ा के बनाए हैं, तीन पार्ट करने हैं अब इसके। तो अब अलग अलग बनाएंगे, पहले ये वाला बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे इस तरह से। देखिए कम करना है तो यहाँ पर ले लेंगे,
इस तरह से ये कम होता जाएगा। दो डबल क्रोशिए बनाने एक जगह पर, अब इसके इस वाले पार्ट में डाल लेंगे। ये वाला बाद में बनाएंगे, तब ये वाला पार्ट बनाएंगे। यहीं से टर्न कर लेंगे वापस, यही कंप्लीट करेंगे पहले। तो ये देखिए इसके चार बॉक्स बचे हैं ये डबल क्रोशिए के। तो ये जब तक एक बचेगा तब तक हम ऐसे ही बना लेंगे, ये पार्ट अलग से बन रहा है, फिर ये वाला पार्ट बनाएंगे। इसी तरह सारा बनाते जाएंगे एक एक करके। तो इसे कर लेंगे, एक बचेगा तब तक सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए एक बचा तब तक बना लिया, और एक राउंड और लेना है, सिंगल क्रोशिए से बांधना है। उसके बाद इसे इस तरह से जोड़ना है।
तो ये देखिए, ये एक बच्चा तब तक बना लिया, और उसके बाद एक राउंड और बनाना था सिंगल क्रोशे से बांधने के लिए। तो एक राउंड बनने के बाद लास्ट फिनिशिंग करेंगे इस वाली पेटल की, बीच में आ जाएंगे इसके और दूसरा का बीच ले लेंगे यहाँ पर। इस तरह से इसे बांध लेना है। इसी तरह से मैं बाकी के बना लूंगी, तीन पेटल और हैं। यहां से स्टार्ट करके एक एक करके सारी बना लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेटल्स हमारी बनके तैयार हैं। अब मैं इसकी फिनिशिंग कर लूंगी। फिनिशिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, पोम पोम बॉल से या झालर वगैरह लगा के। तो मैं पोम पोम बॉल यूज करूंगी। आप पोम पोम बॉल बनाना हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाती है। तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी है। ये मैंने पूरी तोरण की फिनिशिंग कर ली है। तो डिजाइन हमारा बनके तैयार है। तो अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।